शुक्रवार को रोजेदारों ने रमजान के तीसरे जुमे की नमाज बड़ी अकीदत के साथ अता की। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए रोजेदारों द्वारा नमाज अता की गई। रोजेदारों ने इस मौके पर देश से कोरोना के खात्मे के साथ ही मुल्क की खुशहाली की दुआ की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मोहम्मद सलीम फारूकी ने कहा, وعلى الناس بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والعقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهماس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين بارك الله لنا ولكم في القران الكريم ومن يعرف الله فانه لا يضر الا ولا يذوق الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي मेरा नाम मोहम्मद सलीम फारूकी। रमज़ान के महीने में हर इंसान जो मुस्लिम बालिग है वो पाक साफ होकर अपने रमज़ान के रोज़े रखता है, सहरी खाता है, उसके बाद तरावी पढ़ी जाती है और रमज़ान के महीने में 30 रोज़े रखे जाते हैं जिसमें अल्लाह की इबादत की जाती है और उसके बताए हुए अहकाम पर अमल किया जाता है। और इस समय चल रही वबा को देखते हुए सभी मुसलमानों ने तय किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से बारगाह इलाही में दुआ की जा रही है कि अल्लाह ताला इस हिंदुस्तान से और हमारे मुल्क से ये सारी वबा को हटा दे और अमन व अमान कायम रखे और इंसानियत का पैगाम आए। अल्लाह हमें इससे इस मुसीबत से निजात अता फरमाए। इसके बाद हमारे त्यौहार खुशियों का त्यौहार पैगाम लेके आता है ईद का मौका। इस मौके पर हम खुशियाँ मनाएँगे लेकिन उस तरह से मनाएँगे जैसे कि हमें आपस में एक दूसरे को इस तरह की तकलीफ़ न होने पाए कि हमारे घर के बगल में किसी बात का कोई गम हो। कोरोना काल को देखते हुए ईद की नमाज़ के लिए मैं ज़्यादा तो इंतज़ार यही करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ये है कि कम तादाद में लोग घरों में ही नमाज़ पढ़ने तो ज़्यादा बेहतर है और अगर ईदगाह में भी जाते हैं तो मुख्तसर तादाद में जाएँ और अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगा कर सरकार के बताए हुए कानून का पालन करते हुए उसकी नमाज़ अदा की जाए।